मोहल्ले के लौंडों के लौड़े देखने जाना है? वीडियो मैं हूं मानसी दाधीच माहौर, शी जस्टिफाइड फिल्म की डायरेक्टर राइटर, और आज हम सबके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारी फिल्म शी जस्टिफाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रीमियर जिसका कांस में हो रहा है। ये मुद्दा द सोशल कॉज डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत इस पे फिल्में बन चुकी है, पर इस पे कोई ऐसा मैसेज आज तक कन्वे नहीं हुआ कि अब भी घरेलू हिंसा, इतनी अवेयरनेस के बाद भी घरेलू हिंसा आज भी हो रही है तो क्यों। उसका सबसे बड़ा कारण है कि विमेन खुद उसको एक्सेप्ट कर रही है, जस्टिफाई कर रही है कि इट इज़ ओके, बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ी बहुत मारपीट होती है। तो इसके ऊपर अवेयरनेस आनी ज़रूरी थी समाज में। स्टेट वाइज सर्वे वेयर विमेन जस्टिफाइड डोमेस्टिक वायलेंस इन परसेंटेज, और इसी को लेके ये फिल्म बनाई गई है। इसमें जो हमारी कास्टिंग है, लीड एक्ट्रेस प्रियंका चौहान, वो सर्वेश व्यास जो लीड एक्टर हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। और हमारी एक्ट्रेस प्रियंका चौहान को ऑलरेडी 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी एज अ बेस्ट एक्ट्रेस मिले हैं। क्योंकि आप जब ये फिल्म देखेंगे, आप देखेंगे किस तरह से ये लोग अपने किरदार में पूरे उतर चुके थे, और इन्होंने जो जस्टिस की है अपने रोल के साथ, एक बार को तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इमोशनल प्रेजेंटेशन रहा है इनका। तो मुस्कुराने के लिए भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे। हेलो टीम शी जस्टिफाइड, आज Hello. हम सब लोग वापस जुड़े हैं, और हम सबके लिए आज बहुत प्राउड और लाइक गर्व की बात है कि हमारी फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर कांस में हो रहा है। और इससे अच्छा मौका क्या होगा कि कांस में हमारी फिल्म चल रही है और हम यहाँ पे एक साथ बैठ के फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं हूँ मानसी दाधीच माहौर और इस फिल्म की राइटर डायरेक्टर, और ये फिल्म प्रोड्यूस की है मैजिक मंच ने, और इसके अंदर हमारी लीड एक्ट्रेस हैं प्रियंका सिंह, लीड एक्टर हैं सर्वेश व्यास जो कि अभी ड्राइव भी कर रहे हैं, हमें उनका स्टीयरिंग दिख रहा है स्क्रीन पे, और हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर हैं नितिन तिवारी, और हमारे जो चाइल्ड आर्टिस्ट है राधिका दाधीच, और हमारे दूसरे एक्टर जो कि आपको बहुत सारे रोल्स में दिखेंगे, अनिरुद्ध दाधीच। तो ये है हमारी टीम, और हम शुरू करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से जो शी जस्टिफाइड फिल्म। पहले तो ये ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि फिल्म है क्या। तो ये फिल्म, हमने एक मुद्दा उठाया सोशल कॉज, इसीलिए हाउस ऑफ इमोशंस के अंदर एंथोलॉजी के अंदर में ये कांस में दिखाई जा रही है। ये मुद्दा सोशल कॉज है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस एज सच तो आपने देखा होगा, इस पे बहुत सारे कंसर्न्स और अवेयरनेस लाइक दी जाती है, पर एक चीज़ है जो हमेशा मिस हुई है कि जब औरत खुद ही या विमेन खुद ही डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई करती है, शी जस्टिफाइड, जब वो खुद ही जस्टिफाई करती है तो फिर चाहे कितने भी लॉज बना दो, कितनी भी अवेयरनेस स्प्रेड कर दो, कहीं ना कहीं वो एक प्रश्न रहता ही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये फिल्म बनाई, और इसका हमने पूरा सर्वे जो किया उसके डेटा के अनुसार इंडिया के कई स्टेट्स में ऑलमोस्ट 70% अबव विमेन डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा को बिल्कुल नॉर्मल मानती है। तो इसका कारण क्या है, तो उसके पीछे भी हमने रिसर्च की। उसका कारण ये है कि बचपन से ही उसके जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं उसको दबा दिया जाता है। वो कुछ भी अपने मन की करने की करती है तो उसे दबाया जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल
आपको तेज नहीं बोलना, आपको भाइयों की बराबरी नहीं करना, रुपए पैसे का तुमको क्या करना है, या फिर इतना पढ़ के क्या करोगी, आगे तो जाके चूल्हा चौकी करनी है। मैं क्यों नहीं बताती, क्या बोलूं अम्मी अब। सुनंदा जी का किरदार निभाया है प्रियंका जी ने, और सुनंदा जी के हस्बैंड जो भाई सा हैं वो हमारे सर्वेश जी हैं। सुनंदा जी के घर में एक मेड जो चाइल्ड है, बच्ची है, और उसकी कम उम्र में शादी हो जाती है नूर, वो किरदार निभाया है राधिका दाधीच ने। और वहीं पे जो सर्वेश जी के साथ काम करते हैं कर्मचारी, वो किरदार निभाया है नितिन तिवाड़ी ने। और इस पूरी रूपरेखा को ट्रिगर करने वाले जो कैमरामैन हैं वो किरदार निभाया है अनिरुद्ध जी ने। तो ये पूरी पिक्चर है। हम शुरू करते हैं प्रियंका जी से, जो लीड एक्ट्रेस हैं इसकी। प्रियंका जी, आपको जब ये रोल बताया गया, और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपको दो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इसके लिए मिले हैं। दादा साहब फाल्के में आपको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला, फिर रिफ में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दोनों ही प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स में आपको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। तो आप अपनी इस शी जस्टिफाइड की जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? हाँ, पहले तो जब ये रोल मुझे मिला इस किरदार को निभाने के लिए, जो सुनंदा का जो कैरेक्टर था, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब उसको खुद से मैंने उस रोल को मतलब सोचा कि हाँ ये रोल, मैं वेरी चैलेंजिंग रोल एक्चुअली, तो मेरे लिए इट्स टू डिफिकल्ट, बट यस मैंने कोशिश किया कि मैं उसे उसमें 100% अपना दे सकूँ, और मैंने उस रोल को निभाया। और एक्चुअली एक एक्टर के लिए किसी भी रोल को निभाने के लिए आपको पहले उस किरदार को जीना पड़ता है, उसके उसको इमेजिन करना पड़ता है कि जब आप उसकी जगह पे होगे तो आप क्या करोगे, किस तरह के एक्सप्रेशन होंगे, किस तरह के इमोशंस होंगे। तो वो इमोशंस मैंने खुद को सेल्फ ऑब्जर्व करके और ट्राई किया उन सब चीज़ों को लाने का, और लेके आई, और आज हमारी फिल्म यहाँ तक है। सो सीरियसली आई एम फीलिंग, वी आर फीलिंग वेरी प्राउड कि हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग कांस में हो रही है, हुई है। एंड सीरियसली आई वुड लाइक टू से थैंक्स मानसी कि आपने मुझे इस किरदार को निभाने का मौका दिया। आप सबकी मेहनत की वजह से मुझे भी अपनी डेब्यू, म्यूट पे को ऑप्शन, सॉरी, आप सबकी मेहनत की वजह से मुझे भी इस फिल्म के लिए एज अ डेब्यू डायरेक्टर सोशल कॉज के लिए बेस्ट डायरेक्शन के लिए थैंक्स। तो सभी की मेहनत थी। और हमारी ये फिल्म, इसके अंदर कुछ सीन्स थे सर्वेश जी, जैसे आपसे भी आपका और प्रियंका का एक सीन था जिसमें आपको प्रियंका के मुंह पे दाल फेंकनी थी, और प्रियंका आपके मुंह पे वो दाल गिरनी थी, और वो बहुत ही चैलेंजिंग था। और उसमें एक कॉमेडी इवेंट भी हुआ था जहाँ नितिन जी ने हमसे पूछा दाल गरम तो नहीं है ना, तो वो भी बड़ा कमाल था। बट वो सीन टेक्निकल रीजंस की वजह से, क्योंकि वो दाल पूरी की पूरी हमें कैमरा एक शॉट में कैमरा के ग्लास स्क्रीन पे जानी थी, और मेन शॉट जो आपके फेस पे आनी थी वो सिंगल टेक ही था। तो उसके बारे में सर्वेश जी आप और प्रियंका जी आप कुछ बताइए ऑडियंस को, क्योंकि वो सबसे डिफ़िकल्ट था, उसमें रीटेक की कोई संभावना नहीं थी, और अगर हमें रीटेक लेना पड़ता तो 4-5 घंटे हमारे क्रू के जाते इजीली, और फिर वो सबसे बड़ी बात होती है आपके को एक्टर की ट्यूनिंग आपके साथ, आप कितना आपको कॉपरेट करते हैं, क्योंकि वो पूरा सीन सिंगल मेरा नहीं था, सर्वेश जी का भी था, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स सर्वेश जी ऑल्सो कि उस सीन को हमने बहुत अच्छे से निभाया सिंगल टेक में। सर्वेश जी आपका क्या कहना है इस पूरे सीन के बारे में? दरअसल वो जो सीन की कल्पना की थी कि ऐसा मुद्दा है कि शायद हर तबके में, ऐसा कोई तबका नहीं, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे अमीर हो, हर वर्ग में घरेलू हिंसा का सामना महिला को करना पड़ता है। और उसके पीछे जो रीजन है वो है पुरुष की मानसिकता कि मैं पुरुष हूं, अगर वो
कहीं मतलब अपनी पत्नी को कॉपरेट करने वाला भी होता है, कहीं वो अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा प्रेम और समर्पण और सहयोग की भावना भी रखता है, तो लोग नहीं रखने देते। घर में माई कहती है जोरू को गुलाम छे, है ना, मतलब इस तरह की। ये जब ये सीन की कल्पना हुई तो मुझे लगा यार ये चीजें तो मैंने अपने आसपास बहुत देखी है कि जरा जरा सी बातों पे मतलब पति या फूफा जी मतलब इस तरह के लोग जो होते हैं वो बहुत जरा जरा सी बातों पर अपना ईगो हर्ट कर लेते हैं और वो बेसिकली उनको इमोशनली ब्लैकमेल करना कि मैं नहीं जाऊंगा तेरे पियर नहीं जाऊंगा या तुम्हारे साथ नहीं जाऊँ आज के बाद, तुम्हारे लिए ये नहीं लाऊंगा, वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती जिसकी वजह से होता है। अब वो जो सीन की हम बात कर रहे थे, मैं एक कांच मंगाया गया था और चूंकि दाल फेंकनी थी तो मैं भी बहुत डरा हुआ था, पहली बार इनके साथ काम कर रहा था हमारी लीड हीरोइन के साथ, और मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ ज्यादा गर्म हो। तो सबसे पहले तो ये तिवारी जी ने पूछा, उससे पहले तो मैंने ही चेक कर ली थी उसे कि भाई ज्यादा गर्म तो नहीं है, पता चले आगे की फिल्मी शूट ना हो पाए। तो हमें भी पूरी चिंता थी तिवारी जी, उस वक्त मैंने आपको बताया नहीं आपकी भावनाओं की कदर करते हुए, और बड़ा अच्छा सीन बना। अपनी यात्रा कर रही है एज ए कलाकार, मैं इतना ही कहूंगा कि ये मेरी अभिनय यात्रा में एक ये भी एक माइलस्टोन है, क्योंकि आपको बहुत मुश्किल से मतलब दुनिया में बहुत कलाकार हैं चाहे हमारी इंडस्ट्री में ले लें कहीं, पर आपको अभिनय करने के लिए मौके कितने मिलते हैं। तो शायद मैं ब्लेस्ड हूं कि मुझे ये एक ऐसा रोल निभाने को मुझे मिला जहां मुझे, क्योंकि मैंने इस तरह के जो लोग देखे, मेरे दोस्तों में भी देखे, मेरे कुछ रिश्तेदारों में भी देखे, और सबसे बड़ी बात जो आपने बिल्कुल सही कहा मानसी जी कि जो इस फिल्म का जो आपने नाम भी रखा है कि महिलाएं ही उसे जस्टिफाई करती हैं। मेरे एक परिचित हैं, वो अपनी पत्नी को यदाकदा पीट देते थे, तो एक बार मेरी वाइफ ने उनसे कहा कि बोले आप उनसे कहते नहीं हो उनकी मम्मी से, तो बोले हाँ मैंने कहा उनको मम्मी को, तो मम्मी जी ने मुझे ये कहा कि क्या हो गया पति है वो तो पीट सकता है। तो ये जो बात जब सुनी तो मुझे लगा कि अरे ये तो महिलाएं ही इसे जस्टिफाई कर रही हैं, और जबकि होना ही चाहिए कि महिलाओं को महिला के लिए खड़े होना चाहिए कि समाज तभी बदलेगा, मगर शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी एजुकेशन, हमारा जो संस्कृति के नाम पर जो हमने दोयम दर्जे की मानसिकता, डबल स्टैंडर्ड ये हमने अपना लिए, शायद इस वजह से ही नहीं हो पा रहा। और फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर था मुझे वो बहुत अच्छा इसलिए भी लगा कि जो ऐसे लोग होते हैं ना वो दुनिया की नजर में धर्मात्मा होते हैं। सही, बिल्कुल सही बोल। उन्हें लगता है कि मतलब अरे इससे बढ़िया तो कोई आदमी नहीं है, पर वो रियल में घर में क्या होते हैं, उस बेडरूम में हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है वो केवल पत्नी ही बता सकती है, वो न तो माँ जान सकती है, न वो कोई भाई जान सकता है, न वो बहन जान सकती है, और शायद हम सब, मैं भी उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इमोशनल अत्याचार हम लोग करते हैं, ये सब घरेलू हिंसा का ही हिस्सा है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं। क्यों बुला रहे हो तुम्हें, क्यों बुला रहे हो तुम्हें, क्यों बुला रहे हो तुम्हें, क्यों बुला रहे हैं? एज ए न्यू कमर बहुत ही शानदार आपका परफॉर्मेंस रहा है, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, और ये जो एक्टिंग का पैशन है ये कहाँ से आया? सबसे पहले तो गुड इवनिंग सभी को। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इन सारे टीममेट के साथ वर्क करा, मुझे सबने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया और मेरी हेल्प करी, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे डायलॉग में हो, क्योंकि ये सब मेरे लिए बहुत न्यू था, तो सबने मेरी बहुत हेल्प करी थी। और ये फिल्म में पहले ऑडिशंस हुए थे
फिर ये रोल थोड़ा अलग था नूर का, डिफिकल्ट भी था। सबसे पहले मैं नर्वस थी, पर जब मैं ऑडिशंस में सिलेक्ट हुई और फिर पता चला कि ठीक है अगले दिन शूट है, तो एक अलग सी एनर्जी और कॉन्फिडेंस आ गया था जब मैं ऑडिशंस में सिलेक्ट हो गई थी। डायलॉग्स की मैंने प्रैक्टिस करी थी पर इसलिए मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी डायलॉग्स में। इमोशंस और एक्सप्रेशंस में मेरे को टीममेट्स ने सभी ने हेल्प करी थी और मेरा बेस्ट देने के लिए, और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा और ये बहुत न्यू भी था मेरे लिए क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था। तो आप 9th क्लास में है ना राधिका जी, आपको यस फैमिली सपोर्ट, टीचर सपोर्ट सब मिलता है एक्टिंग के लिए? हाँ, मुझे मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल में सब बहुत अनकंडीशनल या कहिए कि अनवेवरिंग सपोर्ट मिलता है। वेरी गुड. मेरी फैमिली मेंबर्स, स्कूल वाले, जो स्कूल में मेरी जो करिकुलम एक्टिविटीज होती है वो बहुत हेल्प करती है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। और जैसे कि इस फिल्म ने भी मेरे को एक बहुत अच्छा गुड प्लेटफॉर्म दिया था मेरे आइडियाज, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ये फिल्म भी एक बहुत ही न्यू था मेरे लिए ये फिल्म को करना, क्योंकि ये एक तरह से एक्टिंग मेरा चाइल्डहुड से पैशन था। इस फिल्म ने मेरे को एक बहुत अच्छा गुड प्लेटफॉर्म दिया और मानसी मैम ने एक बहुत गुड करियर गाइडलाइन दिया था मेरे को, इसलिए सब एंड जो मेरा सपोर्ट था फैमिली और स्कूल्स का, सब मेरे को सपोर्ट करते थे। जो मेरी जो स्किल्स थी, जिस भी चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट होता था, दे ऑल हैव सपोर्टेड मी। वेरी गुड. अभी हम आप तो समझदार हो, सारे नियम कानून जानते हो। बात करेंगे नितिन जी से. नितिन जी, आपका इस फिल्म, आपने बहुत मैजिक मंच को रिप्रेजेंट किया है फिल्म फेस्टिवल्स में, और थैंक्स अ लॉट. तो हम लोगों का ऐसा होता था कि दो फिल्म फेस्टिवल्स एक साथ आ गए तो टीम डिवाइड करके जाती थी. कभी टीम में से कोई एक जगह जा रहा है तो दूसरी जगह. हमने इस फिल्म में बहुत हमें अवार्ड्स मिले हैं, तो ये एक तरह से काफ़ी प्राउड की बात भी है. नितिन जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज़. और नितिन जी के बारे में ये बताऊँ, ये मल्टी टैलेंटेड है, ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, नॉर्मल सॉन्ग्स भी, इनकी आवाज़ में कुछ मिठास है जो लोग कहते हैं कि इनके भजन एक बार कोई सुने तो उसको बार बार एकदम सुनने का मन करता है, काफ़ी डिवोशनल फीलिंग आती है. तो नितिन जी, आप क्या कहना चाहेंगे शी जस्टिफाइड फिल्म के बारे में? अच्छा, आप कुछ कह रहे थे. भाई साहब, मैं निवेदन कर रहा था कि अपने जो नवरात्र का कार्यक्रम है उसमें बालिका भोज के अंदर अगर आपका सहयोग मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी. हाँ जरूर. तो हमने चर्चा शुरू की अनिरुद्ध जी से. अनिरुद्ध जी एक बीकानेर के बिजनेसमैन हैं, और अनिरुद्ध जी लाइक एक तरफ आप हार्डकोर बिजनेस पर्सन हैं और एक तरफ आपका फिल्मों की तरफ रुझान, एक्टिंग की तरफ रुझान, और मैजिक मंच के लिए हर फिल्म में आपका सपोर्ट रहा है. आप अपना फिल्म का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज़. सबसे पहले तो मैं मैजिक मंच का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जैसे सर्वेश जी बता रहे थे कि गिरता वही है जो चलना या दौड़ना सीखता है, तो हम तो सिर्फ सोचते ही थे कि पता नहीं गिरने का मौका कब मिलेगा. तो मैजिक मंच ने मौका दिया कि भाई दौड़ने की कोशिश करो, भागने की कोशिश करो, तो गिरोगे तो कोई बात नहीं. तो जैसे आपसे मेरी चर्चा हुई थी इस विषय को लेके, तो उस समय तो मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगा, और कितने लंबे डायलॉग्स मुझे दिए गए जो मैं डायलॉग याद करके और कैमरे के सामने पहली बार गया और मैंने डायलॉग बोले, तो मुझे ऐसा लगा मैंने कहा शायद अगर ये पिक्चर जो कमल हसन की एक मूवी आई थी पुष्पक, इसमें डायलॉग बोलने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ एक्सप्रेशन से काम चल जाता था. मैंने कहा अगर वैसी मूवी मिल जाती तो ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि एक्सप्रेशन पे ध्यान देते थे तो डायलॉग भूल जाते थे, और डायलॉग याद रखते तो एक्सप्रेशन नहीं दे पाते थे. तो सर्वेश जी का, नितिन जी का और आपका मैं आभारी हूँ कि आपका मार्गदर्शन मिला और जैसे तैसे आप लोग दौड़े तो उनके साथ मैं भी चल सका.
पहले पहले तो आपने काफी रीटेक लिए थे, पर उसके बाद आपका एकदम जम गया था किरदार में, एकदम सेट हो गए थे। और स्पेशली जो बाजार वाला सीन था जहाँ आपको सर्वेश जी के साथ बात करते हुए चलना था, और वो बहुत बड़ा घंटाघर जोधपुर का जो मार्केट है वहाँ पे इतने लोगों के बीच में, मतलब एक्टिंग करते हुए मुझे लग ही नहीं रहा था कि आप दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे बातचीत नॉर्मल होती है वैसे बातचीत करते हुए आ रहे हैं, और वो भी सिंगल टेक था हमारे डीओपी को। नहीं, उसमें सबसे बड़ा ये था कि वहां पे कैमरा नहीं दिख रहा था, इसलिए नर्वस होने का कोई काम ही नहीं था। तो बिना कैमरे में आराम से एक्ट कर पा रहे थे, कैमरा जब सामने आता तो गड़बड़ जाती है। वो आपका परफेक्ट शॉट था, बहुत ही लड़की जब शानदार। तक सामने नहीं होती, जब तक तो आदमी कई शेरो शायरी कर लेता है, लड़की सामने आती है तो सब भूल जाता है। तो वही स्थिति थी, कैमरा सामने था नहीं, इसलिए परफेक्ट शॉट था। बहुत बढ़िया, तो कैमरा आपके लिए लड़की हो गया था। सही है। और नितिन जी आप बताइए, आपकी और अनिरुद्ध जी की जोड़ी बहुत ही जमी हुई थी वहां पे, हंसी मजाक का माहौल, एनवायरनमेंट, जब जहां पे भी टेंशन बिल्ड होती आप दोनों कहीं ना कहीं माहौल को हल्का कर देते, एकदम लाइट, सबको, सबके मुंह पे एक बार मुस्कान ले ही आते थे। नितिन जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। नहीं, हमने सर्वेश जी से पूछा था कि मैंने कहा भाई आप भी थोड़ी हंसी मजाक कर लीजिए, तो बोले मैं सीरियस कैरेक्टर में हूँ इसलिए हंसी मजाक नहीं कर सकता, इसलिए हमें हंसी मजाक करनी पड़ती थी। सर्वेश जी हमें दिख नहीं रहे, शायद ड्राइविंग कर रहे हैं। सर्वेश जी आप ज्वाइन कीजिए प्लीज टीम के साथ, आपको याद किया जा रहा है। वो जो मार्केट वाला जो सीन था ना, उसके लिए ये अभी अनिरुद्ध जी ने मेरे को मतलब 3 घंटे परेशान किया। मतलब वो डायलॉग की रिहर्सल करते करते करते, और यही हुआ कि जब वहां पहुंचे तो इन्होंने 1 टेक में इसीलिए उसको ओके कर दिया कि इन्होंने उसको पूरे सीन को अंदर उतार लिया था खुद के। और मजे की बात ये कि हमको जब बाद में कहा गया कि इस सीन की डबिंग करनी है आपको, तो मैंने कहा बिना उसके कैसे होगा, स्क्रिप्ट क्या थी, तो हमने तो कई इम्प्रोवाइज उसमें कर दिए उस समय भीड़ भाड़ के हिसाब से, और हमने ऐसी एक अंदाजी से ही डबिंग कर दी। और मुझे बाद में पता चला कि वो बिल्कुल परफेक्ट डबिंग हुई हमारी, जी, बिल्कुल। मैंने बैकअप सोच के चला था कि इसका डबिंग वापस करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, पर जो आप लोगों ने डबिंग की क्लिप्स दी वो इतनी परफेक्ट थी कि कहीं पे भी ग्लिच नहीं नजर आया। सर्वेश जी ने मुझे बता दिया था कि एक लाइन बोली है, 3 बार सांस रोकनी है, फिर ये शब्द बोलना है, फिर 2 बार सांस लेनी है, फिर ये शब्द बोलना है, 5 बार सांस छोड़नी है, तो वो गलती भी थी। तो बस मैं वैसे बोलते कि अपने आप डबिंग हो गई। पता ये है तो ऐसे कर रहे जैसे मैंने इनको स्विमिंग सिखाई हो, सांस छोड़नी आप सभी को गुड इवनिंग बोलता हूं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मैजिक मंच के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मानसी दादीज माहूर, जो कि माहूर नहीं माहिर है, हर चीज में माहिर है, क्या बात है। हर चीज में, मतलब वो कह रही है कि नितिन जी इज मल्टी टैलेंटेड, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि मानसी इज ऑल्सो मल्टी टैलेंटेड है। और जो भी एक्सपीरियंस है जो हमने फेस्टिवल के दौरान देखे, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी हुआ था, और उसके अलावा मुंबई में भी जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था, सिने फिल्म फेस्टिवल 2023, अभी 2024, तो इट ऑल वॉज अमेजिंग। जो कुछ भी था वो बहुत ही इंस्पिरेशनल था। जहां भी जा रहे हैं एवरीबडी जस्ट, मतलब हर कोई पढ़ाई कर रहा है और कह रहा है कि दिस मूवी इज वेरी ग्रेट, चाहे वेदर इट इज कान्हा जी, चाहे ये अपने जस्टिफाइड हो, एक्ट्रेस का रोल हो चाहे एक्टर का रोल हो, लेकिन किरदार के साथ साथ में जो स्टोरी राइटर है जिन्होंने इसकी स्टोरी लिखी, उसका भी बहुत तारीफ हुआ वहां पर। अभी जैसे मैं दिल्ली विजिट करी थी मैंने, तो दिल्ली में भी काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि स्टोरी ऐसे सोशल कोज है, सभी को पता है, लेकिन द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिक्चर जो इस फिल्म में हमें लगा रियली इट्स ए गुड, तो बहुत अच्छा है। और
प्रियंका जी की जो एक्टिंग थी रियली इट वॉज ग्रेट, सभी ने अप्रिशिएट किया था दिल्ली में, और साथ ही साथ सर्वेश जी, राधिका, इनकी भी जो एक्टिंग है, यानी सभी करेक्टर की एक्टिंग को सराहा गया। मेरा तो देखो छोटा रोल था, मुझे तो शटर डाउन करना था, डाउन कर दिया लेकिन बहुत मजा आया जो भी शूटिंग हमने वहां पर करी थी, और जब भी माहौल थोड़ा सा ऐसे लगता था तो हमारे छोटे भैया अनिरुद्ध जी, तो वो बड़े ऐसे मस्त मिजाज में रहते थे और मार्केट भी ले गए थे मेरे को कुछ सामान परचेज करवाने के लिए, वो मैं खरीद के भी लाया वहां से लेकिन अनिरुद्ध जी ने हिम्मत नहीं जुटाई उस चीज की, लेकिन मुझे हिम्मत जुटा के फिर कुछ फल भी थे आलू बखारे जैसे, वो भी लाने पड़े मुझे वो मैं लेके आया वहां से। तो ये जर्नी चल रही है, पहनी हुई थी ना ये जो जर्नी चल रही है रियली इट्स वेरी अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो शुरुआत मानसी ने करवाई है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अनवरत चलती रहे, और आज इस पोजीशन में आ गए हैं कि कांस के अंदर हमारा जो मूवी है उसका स्क्रीनिंग हो रहा है। इट्स रियली वेरी ग्रेट, हम सभी के लिए बहुत प्राउड की बात है कि वहां तक हम पहुंचे हैं। तो इट्स अ ब्लेस ऑफ गॉड, ब्लेस ऑफ राधा रानी एंड ऑल गॉड्स, तो सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बेस्ट विशेज हैं। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और मैं यही से प्रार्थना करूंगा कि इस टीम के साथ दोबारा मुझे काम करने का मौका मिले, और इसे भी ज्यादा हम अच्छा काम कर सकेंगे। सर का अपॉइंटमेंट मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड मूवीज में नॉर्मली बहुत बिजी उनका शेड्यूल रहता है, और उस वक्त उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, बट उन्होंने जो हमें टाइम दिया हम सबके लिए बहुत ही लाइक हम सब उन काफ़ी थैंकफुल है। और थैंकफुल है उनके लिए बहुत। वहाँ पे एक सीन था जिसमें छत पे शूटिंग थी, वो तोड़ नहीं पाता, और बड़ा जब वो बड़ा होता है वो इसी भ्रम में रह जाता। पुर में छत पे शाम को 4 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी, तेज़ गर्मी होती है, और उस दिन देव सर की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी जो उन्होंने अपना लाइक अपने आप को कवर करके, कैमरा को पूरा कवर करके जो वो सीन लिया था छत का, माइंड ब्लोइंग, और वो इतना सुंदर सीन आया है, पीछे बैकग्राउंड में फोर्ट आया है, और फिर ओवरऑल जो मिर्ची सुखाने का सुनंदा जी का और नूर का सीन है वहाँ पे, वो जो हंसी ठिठोली कर रही है, वो इतना सुंदर आया है कि उसके पीछे जो देव की मेहनत लगी, जैसा कि अनिरुद्ध जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ एक चित्र बनाया था, पर उसमें जो असली रंग है वो हमारे डीओपी ने भरे, और मैं इसके साथ ही दर्शन जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे एडिटर रहे, अभी वो इंडिया से मूव कर गए हैं कैनेडा, अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू कर रहे हैं, बट उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि परफेक्ट बीजीएम दें हमारी फिल्म को, और जो शेडिंग आए वो एग्जैक्टली वही किरदारों को सुंदर से सुंदर दिखाया जाए। इसी बात पे मैं वापस प्रियंका जी आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो सीन था दाल फेंकने वाला तो था ही सबसे डिफ़िकल्ट, और हमने उसकी चर्चा की, पर हमारा जो लास्ट सीन था जो हमने शूट किया था घर में, जिसमें थोड़ा सा खंडर वाला लुक चाहिए था, आपको चेन वेन में बांध दिया गया था, और वहाँ पे भी बहुत गर्मी और माहौल ऐसा था, हमने लोबान जलाया था, पूरा धुआं किया था, क्योंकि हमें 3 लाइट का इफ़ेक्ट चाहिए था, और मेनली रेड लाइट हमें ज़्यादा इम्पैक्टफुल चाहिए थी, आपका मेकअप भी उसी तरह का था, और उसमें जो आपको इमोशंस देने थे, ऑलमोस्ट रात के 12:30-1 बज गई थी, और हम सभी वहाँ पे जानते हैं कि लोग भी इकट्ठे होने का डर था, क्योंकि आपको उसमें चिल्लाना था, तो उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए प्लीज़ ऑडियंस से थोड़ा। एक्चुअली रात का टाइम था, मुझे लगता है 1:00 हो रहा था, और हमें वो सीन भी एक टेक में ही लेनी थी, आई थिंक एक टेक में ही था मानसी जी, राइट।
जी, शायद क्योंकि आपको चिल्लाना था वो हम बार बार आपसे मतलब क्योंकि कि ये हम दोबारा रिपीट मतलब टेक नहीं। लाइक रिक्वेस्ट थी प्रियंका जी से कि एक बार में ही अगर ये टेक दे दें तो बेस्ट रहेगा, ताकि हमें भीड़ को मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं आए। और जोधपुर की गर्मी तो पता ही थी सबको बहुत ज्यादा गर्मी थी वहां पे, अंदर तो रूम में कुछ भी नहीं था, ना फैन ना एसी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और लोबान की वजह से आंखों में धुआं भी लग रहा था और हमारे आंखों में टीयर्स भी नहीं आने थे क्योंकि वो फील देना था वहां पे एंगर वाला। एंगर वाला। तो फिर उसमें वही था कि तो ध्यान रखते हुए और इस सीन को कंप्लीट करना था हमें एनी हाउ, और बस ट्राई किया अपना बेस्ट देने का और दे पाई। वो तो बहुत ही खूबसूरत सीन था, और अब जो भी जब भी देखेंगे कोई तो पता चलेगा वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस सीन को देख। उस सीन को निभा पाई मैं। आंसुओं से ही बात आती है। एक और भी सीन था जो कि आपका नूर के साथ डिस्कशन चल रहा था, उसके बाद आपको इमीडिएटली नूर के सवाल करने पे आपको आंसू लाने थे। हम लोग सब ग्लिसरीन और लेके रेडी थे, बट वो भी कोशिश हमने, और वो लंबा सीन था ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मिनट का, और 85 का लेंस हमने यूज़ में लिया था। उसके अंदर पूरा का पूरा आपकी परफॉर्मेंस पे था, सिंगल टेक, और उसमें वही जो कहते हैं ना एक्ट्रेस का या एक्टर का एक आंख से आंसू पहले निकलना, वो वाला इमोशन, वो वाली फीलिंग चाहिए थी। तो उस रोल को आपने, लाइक उस सीन को आपने कैसे पकड़ा? देखिए मानसी जी, एक्चुअली जो बोलते हैं एक्टर हो एक्ट्रेस, हम इंसान है राइट। हमारी लाइफ में जैसे बचपन से मुझे भी बहुत एक्टिंग से लगाव थी और मैंने कोशिश किया, मैंने बच्चों को थिएटर करवाया, खुद भी थिएटर मैंने किया है और इंटरेस्ट था तो जाती रहती थी टीवी पे बैठ के। फिल्म तो बहुत कम देखती थी, डायलॉग बड़े कम सुनती थी, बट एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देती थी। और एक कहीं ना कहीं जैसे इस फिल्म का आपने नाम दिया सी जस्टिफाइड, तो एक जो बचपन से बोलते हैं ना कि लगाव तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली अगर उस चीज़ को इनकरेज करती है आगे बढ़ने के लिए तो दैट इज़ गुड, नहीं करती है तो कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों से ना फिर अंदर बोल नहीं पाते हो राइट। अंदर ही अंदर फिर उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देते हो कि चलो मुझे नहीं करनी। तो वो चीज़ें मैंने अपने फ्रेंड के साथ होते देखा, जिसे एक्चुअली जॉब का बहुत ज़्यादा था कि मुझे जॉब करनी है और नहीं करने दिया गया, शादी हो गई एंड स्टिल शी इज़ स्ट्रगलिंग। तो शी इज़ वेरी क्लोज विथ मी एक्चुअली, तो बहुत ज़्यादा उससे अटैचमेंट है, तो बातें होती रहती थी और कहीं ना कहीं मैंने उसे बहुत फील किया था। और जब वो सीन को कैप्चर किया जा रहा था तो वो अचानक से उन सब चीज़ों को रिमाइंड करके मैं याद करने लगी कि उसके साथ क्या हुआ था, किस तरह से वो स्ट्रगल कर रही होगी, वो भी लाइफ में कुछ करना चाहती होगी लेकिन कर नहीं पाई। तो सबको ये मौका नहीं मिलता, तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे चांस मिला आपकी मूवी में काम करने का। और उस सीन को मैं निभा पाई और वो जो आंसू थे बिल्कुल नेचुरल निकल रहे थे उन सब चीज़ों को याद करके, तो दैट वॉज द बिट। वो स्टोरी और वो सीन जब मेरे सामने आया ना, तो मैं उन सब चीजों को याद करके खुद में इमेजिन करने लगी, महसूस करने लगी कि कैसा लगता होगा उनको उस टाइम। लेकिन अगर काश वो खुद के लिए स्टैंड ले पाती तो आज भी वो कहीं किसी और जगह होती राइट। बहुत तो चीजें वैसी थी, तो बहुत इमोशंस इस मूवी से जुड़े हैं मेरे, बहुत ज्यादा इमोशंस, मतलब बहुत, मैं सेट पे भी बहुत इमोशनल हो गई थी उस सीन को करते करते, बहुत रोई थी मैं। तो हमने ये हम सारी चीज़ हमने थोड़ा सा डीओपी और डीओपी देव सर ने और मैंने हमने प्लान किया था कि आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें उस वक्त, जो इमोशंस आ रहे हैं आप हमें रॉ कैप्चर करने थे। तो वो थोड़ा ओवरऑल आई विल से कि हम लोग ब्लेस्ड थे कि इतनी अच्छी मूवी निकल के आई, और सभी जगह जहाँ पे भी हम जिस भी फेस्टिवल में इसको लेके जा रहे हैं सभी जगह बहुत सारा आ जा रहा है,
और आज हम कैंस के अंदर स्क्रीनिंग इसकी देख रहे हैं, तो वो इट्सेल्फ में एक बहुत ही प्राउड फीलिंग है। मैं अपनी फैमिली, यस माय हस्बैंड, माय सन, माय फ्रेंड्स, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पे भरोसा रखा, विश्वास किया कि मैं जो किताबें लिखती थी उससे आगे बढ़ के ये मेरी दूसरी फिल्म है, एंड एज अ डायरेक्टर दिस वाज माय डेब्यू डायरेक्शन। तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि गो अहेड विद द प्रोजेक्ट, और जिस तरह का कॉज लिया है, सोशल कॉज लिया है, बहुत अच्छा मुद्दा है। इस मुद्दे से अगर हम किसी एक परिवार का भी भला कर सकें तो शायद ये पिक्चर अपने आप में सफल होगी। आप सभी का प्यार इसी तरह हमें देते रहिए और प्रोत्साहित करते रहिए आगे बढ़ने के लिए। आप लोगों के को अगर कोई भी सोशल कॉज इस तरह का लगता है कि जिस पे हमें पिक्चर बनानी चाहिए, या जिस पे कहानी लिख के हमें कुछ प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो ज़रूर मुझे ईमेल कर सकते हैं आप, और मैं उसे कंसिडर करूँगी। आपके पास कोई भी स्क्रिप्ट हो, आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हों, तो आप अपने मुझे प्रोफाइल भेज दीजिए connect@magicmunch.com। मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मेरे साथ और लाइक माइंडेड लोग जुड़ें और हम इसी तरह से अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छी फिल्में जो कि समाज के लिए एक अच्छी लेगेसी। आपके मुस्कुराने के लिए भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे। मुस्कुराएं, हाँ ये बात। क्यों बुला रहे हो तुम्हें? आप तो समझदार हो, सारे नियम कानून जानते हो, आपकी क्या मजबूरी है।